आज हम हैं कमांडो अरुण गौतम के नैनी वाले घर पे। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि कमांडो कैसे थे और उनका देश और समाज के प्रति कैसा नजरिया था। जी सर, क्या नाम सर? मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी है और कमांडो भाई हमारे दो मित्र भी हैं और वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन मतलब वो ऐसे समाज कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने अपने पैसे लगा करके और गरीबों का उन्होंने काफ़ी मदद किया। उन्होंने बिजली विभाग के लिए जिस वक्त 2,35,00,000 मतलब हो सकता है रकम की हम सही तरीके जानकारी नहीं दे पाएँ, लेकिन इतना मतलब उनके ऊपर था उस गांव के ऊपर त्योथर गांव के ऊपर बिजली विभाग का, जिसको कि 1,00,00,000 रुपया लगा करके मतलब उन्होंने लोगों से दिलवाया और दिलवाने के बाद ट्रांसफार्मर चेंज करवाया वही बिजली विभाग का, जो बिजली विभाग में आज जो है इस तरीके से किया जा रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब आजकल के ज़माने में सामाजिक कार्यकर्ता अगर सामाजिक कार्य कर रहा है तो लोगों को आपत्ति कुछ लोगों को होती है, इसलिए होती है क्योंकि जगह बिजली विभाग को अगर कहा जाए कि यहाँ पोल लगाइए तो वहाँ पर जो है वो पोल लगाने के लिए लगाने वाला जो पोल लगाने वाला वो उस बात को नहीं मानेगा, वो क्या करे उसका एंटी हो जाएगा। इसी तरीके से मैं शासन और प्रशासन से आग्रह करूँगा कि ये जाँच का विषय है और इसको अच्छी मतलब सही तरीके से जाँच कराई जाए। धन्यवाद। जाँच तो कराई जाए, पर एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही, आपने बताया मध्य प्रदेश में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में यहाँ नैनी के इलाकों में इन्होंने कौन कौन से समाज सेवा या क्या कुछ कार्य किए हैं। जी बताएं। रंजीत यादव नाम है मेरा, मैं भी आर्मी से हूँ। जब यहाँ शुरू में इन्होंने आया तो इस कमांडो नगर में इन्होंने यहाँ मतलब ना कोई खंभा था ना कोई बिजली थी। यहाँ पर उन्होंने जाज टाउन में जाकर उनके ऊपर कुछ लोगों के जरिए मुकदमे भी लगाए गए और उन्होंने पूरा खंभा ट्रांसफार्मर यहाँ लगा के बिजली की व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त कराई। यहाँ एक कॉलोनी बसने लायक हो गई जहाँ बैठे हैं। और सामाजिक कार्य की बात करें तो सामाजिक कार्य कोरोना काल में उन्होंने घर घर जा के लोगों को राशन भी प्रोवाइड कराया और अपने पैसे से, ऐसा नहीं कि कोई सरकार उन्हें दिया। यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ घर पे भी लोग आए यहाँ से भी राशन ले जाते थे। तो सामाजिक जो कार्य है सेना से आने के बाद मतलब ये देखा जाए कि बहुत ही सराहनीय रहा है। जैसे हम जो देख पा रहे हैं जी, इतनी सारी धाराएं उनपे लगना, 400 BC आपके यहाँ लगी जी, उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न का केस आपके यहाँ लगा उत्तर प्रदेश में जी, क्या ऐसी भी कोई गतिविधियाँ थी? ऐसी तो कोई गतिविधियां नहीं थी, लेकिन आप तो जान ही रहे हैं कि अब आप लोग तो हर जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, धाराएं लगाना लगवाना ये तो बहुत आसान काम है। किसी महिला को ले जा खड़ा कर देना, उससे गलत बयानबाजी करवा देना, उसके बाद धाराएं लगा देना, 400 BC क्या होती है, चोरी चमारी ये तो नहीं किया है। अगर इसमें अगर आदमी खड़े हो जाएँ बोल दें कि हाँ ऐसा है, तो अब गलत स्टेटमेंट किसी दिलाना हो तो अलग बात है। वो सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि शासन द्वारा जो भी इनके धाराएं लगाई गई है जी वो गलत है? गलत है। अच्छा, इसका दोषी आप किसको मानते हैं? देखिए, दोषी उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है जनता के लिए लड़ी है, जो वहाँ की जनता थी उनके लिए लड़ाई लड़ी है। कोई उनकी पर्सनल लड़ाई नहीं थी कि उनके घर में बिजली नहीं थी ट्रांसफार्मर नहीं था, लोगों के लिए लड़ी। अब आज वो जेल चले गए तो अब विरोधी लोगों को तो जो उनके मतलब विपक्षी पार्टी हैं अब उनको तो जान ही रहे हैं कि मौका मिल गया है, अब उसमें धाराएं लगाना और भी लगवाना कुछ होगा आगे। भाई उनको ये लग रहा था कि लोग चुनाव लड़ेंगे आगे बढ़ेंगे, तो खैर शायद कुछ विपक्षी लोग इसमें भी उनकी टांग खींच रहे हों लगे होंगे। सर पहले भी यहाँ एक आध बार उनपे हमला हुआ था जी? जी जी हुआ था यहाँ। आपको जानकारी है क्या? ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हुआ था हमला हुआ था यहाँ मोहब्बतगंज में, कुछ लोगों ने डंडे डुंडे से मारा था। अब वही कह सकते हैं कि यहाँ भी विपक्षी लोग थे। स्पष्ट तो नहीं हो पाया था विवाद कारण, इस पर FIR भी हुआ था लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। आपको जानकारी कुछ नहीं? नहीं, उससे तो खैर उस मर्डर में तो मेरा जानकारी नहीं, उस समय अभी आर्मी में सेना में था मैं उस समय। उसके बाद जो रिटायरमेंट के बाद मैं भी आया हूँ और इनसे मैं परिचय है, जुड़ा हूँ। ये बिल्कुल नेक इंसान है,
इन्होंने सीओडी गेट के सामने कचरा का डंप पड़ा हुआ था और जीना दुभर था। 10 ट्रैक्टर इन्होंने अपने पैसे से कचरा सफाई करवाए थे, 10 ट्रैक्टर नालियों की सफाई इन्होंने करवाया था। इनका जो कि नहीं सैनिक जीवन के बाद में अपने आप को ये समाज को समर्पित कर दिए थे और इनके जैसे नेक इंसान के पास ऐसी धराएं लगा करके इनको परेशान करना ये भूतपूर्व सैनिकों के ऊपर एक धब्बा है। हम बिल्कुल अपमानित महसूस कर रहे हैं कि जो शासन प्रशासन इनके विरुद्ध जो धाराएं लगाई हैं, इतनी बड़ी बड़ी धाराएं जो जेएनयू में और कहीं कहीं देशद्रोही नारा बोलता है, आज वो विधायक की और एमपी के लिए खड़ा होता है और भूतपूर्व सैनिक जो अपना सर्वस्व पेंशन का पैसा भी गरीबों को ठंडा में ये कम्बल तक बांटते थे, ऐसे व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगाया जाता है। ये पूर्व सैनिकों के ऊपर एक धब्बा है और हमें ये जागृत होना होगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में होती है तो पूरे देश के पूर्व सैनिक अपने अपने स्टेट में सरकारों के समक्ष अपनी बात स्ट्रांगली रखें। यहाँ तक भूतपूर्व सैनिकों का वेटरनरी इंडिया एक ग्रुप है जिसके संरक्षक माननीय बीके मिश्रा जी हैं, जनरल डीडी बख्शी भी जुड़े हुए हैं। मैं इन लोगों से आग्रह करूंगा यदि हमारी भूतपूर्व सैनिक की ये बातें वहां तक पहुंचती हों तो कृपया ये राजनाथ सिंह माननीय डिफेंस मिनिस्टर के पास ये बात पहुंचे कि पूर्व सैनिकों के साथ ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश की शासन प्रशासन कर रही है, ये बिल्कुल गलत है और हम भूतपूर्व सैनिक उनके साथ खड़े हैं। जहां भी सहयोग की ज़रूरत होगी हम तन मन धन से खड़े हैं। एक नेक इंसान और एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और हैं जो आज जेलों के अंदर सलाखों के अंदर हैं, उनके ऊपर तरह तरह की धाराएं लगाई गई हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? जैसे उनके इतने सारे आरोप लग रहे हैं जी, कुछ उत्तर प्रदेश नैनी के जी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जो भूत में इनके आरोप लगे जी, भूत में हमले हुए जी, उसके विषय में कुछ जानकारी है? वो जो कुछ लगा है सर वो बहुत गलत लगा है। जो आरोप लगा है इनके ऊपर ये आरोप लगने लायक नहीं है, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इतना बढ़िया समाज सेवी पर इस तरह का आरोप लगाना सरासरी मेरे निगाह में तो बहुत ही गलत बात है। क्यों, मैं शंकर नगर नैनी से आता हूँ, वहाँ जब अरुण गौतम जी आए थे रिटायर्ड होकर के, रोड की इतनी हालत ख़राब थी कि वहाँ गाड़ी नहीं पास हो रही थी, चाहे वो अपने पैसा से किया हूँ जैसे किया हूँ रोड का हालत सुधार। यहाँ कमांडो नगर लोगों ने नाम रखा, इस कॉलोनी का नाम कमांडो नगर रखा गया, इतना समाज सेवी काम किए कि लोगों ने खुश होकर के इसका नाम कमांडो नगर रख दीजिए, अदरवाइज इसका नाम गोविंदपुरम या कुछ था ऐसे, धन्य कमला नगर।